जय श्रीमान। श्रीमान, मैं नाम सुधार, टेक एस ए गगनदीप सिंह, यूनिट 6 एफडी। श्रीमान, हमने यूनिट लेवल पर इस वेपन क्लीनिंग मशीन को तैयार किया है। इसके अंदर राइफल इंसास, कार्बाइन, LMG, MMG और PKT के बैरल को अच्छी तरह से सफाई और ड्राई किया जा सकता है। श्रीमान, इसके अंदर 90 लीटर पानी आता है जो कि 90 डिग्री तक गर्म होता है। इसको बनाने में लगने वाला सामान 200 लीटर का ड्रम, एंगल आर्म्स, 2000 वाट का दो रॉड, एक 0.5 HP का टुल्लू पंप। इसको बनाने का तरीका, हमने 200 लीटर ड्रम को दो हिस्सों में काटा, एक को छत के लिए इस्तेमाल किया और दूसरे को वाटर स्टोरेज के लिए। एक साइड में होल करके हमने 2000 वाट का दो रॉड को फिट किया हुआ है और एक तरफ हमने ड्रेन के लिए पॉइंट छोड़ा हुआ है। बेस बना के टुल्लू पंप को फिट किया हुआ है। श्रीमान, इसके काम करने का तरीका, जैपन को लगाएंगे, दिए हुए पाइप को चैम्बर होल में दाखिल करेंगे और MCB स्विच को ऑन कर देंगे जिससे पानी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 15 मिनट के अंदर बैरल को पूरी तरह गर्म कर देता है। उसके बाद वेपन को निकालेंगे और इसके साथ हमने एक डिवाइस और बनाया हुआ है जिसके साथ अकेला आदमी ही फुलथ्रू मार के वेपन को ड्राई कर सकता है। श्रीमान, इस मशीन से अकेला आदमी ही एक घंटे में 20 से ज़्यादा वेपन को सफाई और ड्राई कर सकता है। ऐसी डिवाइस हमने 10 और बनाई हुई है। इसको बनाने का खर्चा 10,000 रुपये आया हुआ है और सबसे खास बात, इससे हम टाइम की बचत और मैन पावर की बचत कर सकते हैं। जय श्रीमान।